हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल ओपी पावर रीडर में। दोस्त आइए आज हम लोग देखते हैं रीजनिंग का चैप्टर क्लॉक अर्थात घड़ी। इस घड़ी का आज हम लोग देखेंगे भाग तीन। भाग तीन में हम लोगों को आज यह देखना है कि मिनट व घंटे की सुइयां कितनी बार 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो सबसे पहले हम आज यह देखेंगे कि एक घंटे में 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनाती है। फिर इसको हम लोग 12 घंटे में देखेंगे, उसके बाद फिर 24 घंटे में देखेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे टेबल लिख दिया है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री। इस 0 डिग्री को समान दिशा भी बोला जाता है और संपाती भी बोला जाता है, आच्छादित भी बोला जाता है। उसके बाद 90 डिग्री का देखेंगे समकोण, इसको बोला जाता है। 180 डिग्री का देखेंगे, फिर इसे बोला जाता है ऋजुकोण अर्थात विपरीत दिशा। तो सबसे पहला स्टार्ट होता है हम लोग का 0 डिग्री का कोण एक घंटे में कितनी बार बनता है। तो अब यहाँ पर देखें कि आप लोग को दिख रहा होगा कि 2 बज रहा है, इस घड़ी में 2 बज रहा है, आपको क्लियर। तो ये घंटा वाला सुई 2 पे है और मिनट वाला सुई 12 पे, तो इसका मतलब कि 2 बज रहा है। अब हम लोग को देखना है इस 2 से 3 के बीच, अर्थात एक घंटा हो गया, 2 से 3 के बीच में कब कब हमारी दोनों सुई मिनट और घंटे की सुई एक पर आ जाएगी, अर्थात समान दिशा पर हो जाएगी। तो हम लोग को ये चीज़ देखना है। तो अब देखें कि ये मिनट वाली सुई हमारी क्रमशः इस दिशा में बढ़ेगी, इसमें तो कहना है नहीं कि हमारा इधर बढ़ेगा या फिर इधर बढ़ेगा, घड़ी है तो अपने दिशा में ही बढ़ेगी। तो हमारी घड़ी की मिनट की सुई इस दिशा में बढ़ेगी, क्लॉक वाइज में बढ़ेगी। जब क्लॉक वाइज में आएगी तो ये घंटा वाला सुई जो है कि थोड़ा सा इस साइड में अर्थात नीचे की ओर बढ़ेगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि घंटा वाला सुई यहाँ पर आ गया और मिनट वाला भी सुई यहाँ पे आ करके एक दोनों पर सेट हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में 0 डिग्री का कोण बन गया, क्लियर है। तो अब फिर मिनट वाली सुई आगे बढ़ती जाएगी, तो जब आगे बढ़ती जाएगी तो हमको फिर 0 डिग्री लाना है। अभी देखिए एक बार 0 डिग्री का कोण बन गया। अब ये मिनट वाली सुई क्रमशः इस साइड से ऐसे आते हुए 12 पर पहुँचेगी। जैसे ही मिनट वाली सुई 12 पर फिर पहुँची तो आपका जो घंटा वाला सुई है वह आ जाएगा 3 पर। तो हम कह सकते हैं कि 2 से 3 के बीच में अर्थात एक घंटे में जो दोनों सुई एक पर आएगी तो वह सिर्फ और सिर्फ एक बार। तो यहाँ पर लिख देंगे कि कितनी बार, एक बार। यानी कि 0 डिग्री का कोण एक घंटे में कितनी बार बन रहा है, सिर्फ एक बार। अब देखिए हम लोग को देखना है कि 12 घंटे में, तो जैसे यहाँ पर दिखा एक बार, यहाँ पर भी निकालेंगे तो एक बार निकलेगा। अब हम लोग को देखना है 12 घंटे में। तो 12 घंटे के लिए आप लोग को बस याद रखना है कि ये जो 11 है, इस 11 से लेके 1 के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक बार बनेगा, एक बार ही दोनों सुई एक आपस पर आएगी, अर्थात एक दूसरे के परस्पर होगी, एक दूसरे के संपाती होगी। देखिए जैसे मैं निकालता हूँ, यहाँ पर निकालेंगे तो एक घंटा आएगा, सॉरी एक बार आएगा, इस प्रकार से 10 बार तो आ चुका, यानी यहाँ से लेकर के 10 बार आ चुका। अब यहाँ पर देखिए, सपोज करिए कि आपका जो टाइम हो रहा है वह बज रहा है 11, क्लियर है, 11 टाइम हो रहा है, अर्थात यानी कि घंटा वाला जो सुई है 11 पे, मिनट वाला जो सुई है वह 12 पे है। तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि 11 बज रहा है, ठीक। अब देखिए हम लोग को क्या करना है कि दोनों सुई एक दूसरे पर लाना है, क्लियर है। तो ये मिनट वाली सुई ऐसे बढ़ते बढ़ते अब यहाँ पर पहुँचेगा। जैसे ही यहाँ पहुँचेगा तो ये घंटा वाला सुई आपका लगभग 12 के एकदम करीब हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि मिनट वाली सुई ऐसे बढ़ाते एकदम लास्ट जो पोजिशन होता है मिनट वाली सुई वहाँ पर है, घंटा वाला सुई एकदम इसके करीब है। तो जैसे ही ये मिनट वाला सुई इस घंटे वाली सुई को टच करेगा तो हम उस समय पहुँच कहाँ जाएंगे, ठीक 12 बजे पहुँच जाएंगे। यानी कि 12 घंटा वाला सुई यहाँ पर आ जाएगा और मिनट वाला सुई यहाँ पर। तो ये देखिए इसका हम 11 12 के बीच निकाले तो हमारा निकला 12 पर, क्लियर। अब देखिए हम लोग निकालते हैं 12 और 1 पर। तो जब 12 और 1 के बीच हम निकालेंगे तो इसके बीच हमारा कुछ नहीं बनेगा, न ही 11 और 12 के बीच बना, ये सीधे 12 पर बनेगा। इसका भी चेक कर लेते हैं कि कैसे बनेगा। देखिए 12 है, सपोज करें कि यहाँ पे घंटा वाला सुई और मिनट वाला सुई दोनों पे एक पे है, इस सिचुएशन में आप बोल सकते हैं कि 12 बज रहा है। अब ये जो मिनट वाली सुई है ऐसे बढ़ाते बढ़ाते
अब यहाँ से हम लोग ऐसे आ गए, तो ये जो घंटा वाला सुई है ये हमारा लगभग पहुँच जाएगा इस पे, कहाँ पहुँच जाएगा, एक पर। अभी मिनट वाला सुई यहाँ पर पहुँचा है, तो देखिए यहाँ पर जैसा ही मिनट पहुँचा, घंटा वाला सुई एक के सीध, अर्थात हम बोल सकते हैं एक बज गया। अब ये मिनट वाला सुई ऐसे बढ़ते बढ़ते अब यहाँ पर जा कर के एक दूसरे पर आएगा, लेकिन हम तो चले आए एक और दो के बीच में, हमको निकालना क्या था, 12 और 1 के बीच में। तो हम लोग 12 1 के बीच में नहीं पा पाएंगे, न ही 11 और 12 के बीच में पाएंगे। तो हम लोगों को बस याद क्या रखना है कि हर एक घंटे में एक बार बनती है, लेकिन 11 12 के बीच में एक बार भी नहीं बनेगा, न ही 12 1 के बीच में बनेगा। 11 से लेकर के 1 के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक बार बनेगा, वो भी सिर्फ 12 बजने पर बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कितना बार बन गया, 11 बार। 12 घंटे में 11 बार बनता है, अगर 12 घंटे में 11 बार बना तो अब हमको लेना है 24 घंटे में, तो 11 बार ये फिर 12 घंटा आ गया, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं 11 दुना का 22 बार। ये तो रहा 0 डिग्री का। अब हम लोग देखते हैं कि सम कोण अर्थात 90 डिग्री का कोण, तो जब 90 डिग्री का कोण लेना है यहाँ पे, तो अब देखिए यहाँ पर हम ले लिए कि सपोज करिए यहाँ पे आपका बज रहा है एक, यहाँ पे बज रहा है एक। अब हम लोगों को 90 डिग्री का कोण देखना है, तो 90 डिग्री का जब कोण देखेंगे तो उस सिचुएशन में आपको करना क्या है कि ये घंटा वाली जो सुई है एक पर है, अब इसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए लाइए। तो ऐसे बढ़ाते हुए लाएंगे तो एक समय आएगा कि ये घंटा वाली सुई और ये मिनट वाली सुई लगभग ऐसे हो जाएगी। जब ऐसे हो जाएगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का कोण। क्लियर है? तो एक और दो के बीच में एक 90 डिग्री का कोण बन गया एक ठो। अब इसके बाद हम लोग का मिनट वाला जो सुई है ये बढ़ते बढ़ते जा रहा है ऐसे, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये घंटा वाली सुई अभी एक और दो के बीच में ही है, तो घंटा वाली सुई लगभग इधर कहीं होगी और मिनट वाली जो सुई है इधर कहीं आ जाएगी। तो भी हम लोग को बोल सकते हैं कि ये हम लोग का कितना बज गया, सॉरी कितना डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का जो कोण है एक घंटे में दो बार बनेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे दो बार, क्योंकि एक बार तो इधर बनेगा एक बार इधर बनेगा, एक और दो के बीच में ही बनेगा, ये बात ध्यान रखना है। ये तो रहा एक एक घंटे में 90 डिग्री का कोण कितने बार बनेगा, दो बार। क्लियर? अब हम लोगों को देखना है कि 12 घंटे में, तो 12 घंटे में जब देखेंगे तो जैसे उसमें था 0 डिग्री के लिए कि 11 और 1 के बीच में सिर्फ एक बार बनेगा, वैसे ही आपको यहाँ पर याद रखना है कि 2 और 3 के बीच सिर्फ और सिर्फ एक बार बनेगा, 3 और 4 के बीच सिर्फ एक बार बनेगा, और एक बार 3 पर बनेगा। जैसे देख लेते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर यानी कि 2 बज रहा है, क्या बज रहा है, 2। इस टाइम 2 बज रहा है आपको, घंटा वाली सुई जो है 2 पे ठीक है और मिनट वाली सुई 12 पे है। अब क्या करेंगे कि इस मिनट वाली सुई को धीरे 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 बढ़ाते हुए लाइए। तो जब धीरे धीरे बढ़ाते हुए हम लाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि यह मिनट वाली सुई ऐसे बढ़ते बढ़ते इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर मान लीजिए आ गया, तो ये हमारा कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, 90 डिग्री, 2 और 3 के बीच में 90 डिग्री कोण बन गया। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद ये मिनट वाली सुई जो है कि बढ़ते बढ़ते चला गया इधर, तो अब यानी कि 90, सॉरी हमको लाना कितना है, 90 डिग्री का कोण। तो ये घंटा वाली सुई जो है कि पहुंच जाएगा 3 पे, तब ये मिनट वाली सुई जो है पहुंचेगा 12 पे। तो उस सिचुएशन में 90 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन 2 और 3 के बीच में नहीं बन रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक बार बनेगा, एक बार यानी कि 3 पर बनेगा, और इसी प्रकार 3 और 4 के बीच निकालेंगे एक बार, बाकी सब में दो दो। अब देखिए इसी प्रकार इस साइड जब आएंगे तो जब घंटा वाली सुई 9 पर रहेगा और मिनट वाली सुई यहाँ पे, तो वही सिचुएशन जैसा यहाँ पे मिला है, एक बार यानी कि इस 9 पे बनेगा, एक बार 9 और 10 के बीच में बनेगा, एक बार 8 9 के बीच में बनेगा, और बाकी सब में दो दो बार बनेगा कोण। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि 3 ये 6 हो गया, और बाकी इन सभी को दो दो करके हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 11 दुना का 22। तो ये हो जाएगा हमारा 22 बार। क्लियर? अब देखिए कि 12 घंटे में 22 बार आ गया, तो 24 घंटे में कितना होगा, 44 बार। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं तीसरा यानी 180 डिग्री। तो
तो 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? सबसे पहले हम एक घंटे में निकालते हैं, तो जब एक घंटे में आप निकालेंगे यहाँ पे है, तो मान लेते हैं कि ये दो बज गया, दो बज रहा है इस समय, तो दो और तीन के बीच कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा इस चीज़ को देखना है। तो अब यानी कि मिनट वाली सुई, अभी देखिए ये तो 180 है नहीं, मिनट वाली सुई धीरे धीरे बढ़ते हुए आएगी ऐसे, तो ये घंटा वाली सुई लगभग यहाँ पे बढ़ेगी और लगभग यहाँ पे रहेगा, और मिनट वाली सुई जो है कि लगभग ऐसे रहेगा। तो उस सिचुएशन में ये जो कोण हमारा बनेगा, यानी मिनट वाली सुई ऐसे ऐसे आते आते यहाँ पर आ गई, तब 180 के अंश का कोण बन गया। अब देखिए कि फिर ऐसे जाएगा, तो अब फिर ये तीन पर, तब तक घंटा वाला तीन पर आ जाएगा, तो सिर्फ एक एक बार बन रहा है, तो यानी कि घंटा वाली सुई एक बार बन रहा है, कब? 180 डिग्री प्राप्त करने के लिए, यहाँ पर लिख देंगे एक बार। अब जो है कि हम लोग को देखना है कि 12 घंटे में, तो 12 घंटे में ये सब में एक से दो के बीच एक बार ऐसे ही ऐसे सब में बनेगा, लेकिन इस 11 और 12 के बीच में बनेगा ही नहीं। जैसे चेक कर लीजिए आप लोग, मान लीजिए यहाँ पे 11 बज रहा है, ये घंटा वाली सुई हो गया, ये मिनट वाली सुई हो गया, क्लियर। अब ये मिनट वाली सुई को आप धीरे धीरे ऐसे बढ़ाइए, इधर जब जैसे आएगा ऐसे होगा, हम लोग को लाना है क्या चीज़, 180। तो 180 लाने के लिए अब देखें कि ये पाँच पे, मान लीजिए कि ये मिनट वाली सुई पाँच पर आ गया, तो ये जो घंटा वाली सुई है, ये घंटा वाली सुई लगभग इसके और उसके ठीक बीच के थोड़ा सा इधर रहेगा, क्योंकि जैसे ही ये मिनट वाली सुई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक बीचों बीच पे आ जाएगा, तो ये यहाँ पर है तो ये घंटा वाली सुई यहाँ पर हो गया, तो अभी तो 180 हुआ नहीं। अब ये मिनट वाली सुई यहाँ पर आएगा, तो ये यहाँ पर है, अभी 180 नहीं हुआ। अब इसको जब हम यहाँ पर लाएंगे, तो यहाँ पर लाने के बाद फिर हम धीरे 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 ऐसे ले जाएंगे, तब तक हमारा ये घंटा वाला जो सुई है 12 पहुँच जाएगा। तो इस 11 और 12 के बीच में हमारा 180 डिग्री का कोण नहीं बन पाएगा। तो अब देखें कि ये पूरा एक 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 बार बना, तो एक छोड़ के बाकी हमारा 11 बार बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 बार। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22 बार। तो बस आप लोग को सिंपल सा याद रखना है कि 0 डिग्री का कोण एक घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार, 90 डिग्री का कोण एक घंटे में दो बार, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार, 180 डिग्री का कोण एक घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। अब हम लोग इसी के आधार पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन पहला है, 3 से 5 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। हम लोग को ये चीज़ बताना है, 3 से 5 बजे के बीच, यानी कि 3 यहाँ पर है, घंटा वाली सुई यानी कि यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, ये देखिए घंटा वाली सुई ही है। 3 से 5 के बीच हमें बताना है 0 डिग्री का कोण। तो बस आप लोग को याद क्या रखना है कि 0 डिग्री का कोण कहाँ पर सिर्फ एक बार बनता है, तो 11 से लेकर के 1 के बीच सिर्फ एक बार बनता है, और बाकी हर एक घंटे में एक एक बार का कोण बनता है। तो 3 और 4 के बीच में एक बार बनेगा, 4 और 5 के बीच में एक बार बनेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 3 और 5 के बीच में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बना। तो आपका सिर्फ एक यहाँ पर, यानी कि कितनी बार बना, 2 बार। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, 2 बार 0 डिग्री का कोण बना। अब आता है 11 से 4 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। अब हम लोग को बताना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के लिए आप लोग क्या चीज़ ध्यान रखना है कि हर एक घंटे में दो दो बार बनता है 90 डिग्री हर एक घंटे में, लेकिन 2 से लेकर के 4 के बीच में सिर्फ 3 बनता है, अर्थात 2 और 3 के बीच में सिर्फ 1 बनता है, 1 3 पर बनता है, 1 3 और 4 के बीच में, यानी कि ये पॉइंट छोड़ करके और ये पॉइंट छोड़ करके हर एक घंटे के बीच दो दो बार बनता है 90 डिग्री का कोण। तो इसने पूछा क्या है, 11 से 4 के बीच में, अर्थात यहाँ से ले करके यहाँ तक हमको बताना है। तो हमें पता है कि एक बार यहाँ पे बनेगा, एक बार यहाँ पे बनेगा, एक बार यहाँ पे बनेगा,
बाकी इसमें दो बनेगा, इसमें दो, इसमें दो, तो दो दो चार दो छः, और छः तीन कितना हो गया, नौ। ग्यारह से लेकर के चार के बीच में हमको बताना था, तो ये कितनी बार बन गया, नौ बार। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आठ से ग्यारह बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है। तो आप लोग को ये याद रखना है कि 180 डिग्री का कोण हर एक घंटे में एक बार बनता है, लेकिन 11 और 12 के बीच कोण नहीं बनता, बस ये चीज़ याद रखना है। तो 8 से लेकर के 11 तक बताना है आपको, 8 से 11 तक। तो जब आप 8 से लेकर के 11 तक, यानी कि यहाँ से लेकर के आपको बताना है यहाँ तक, तो हमें ये चीज़ देखना है कि जब 180 की बात आई तो 11 से 12 के बीच में नहीं बनता, तो हमको 11 से 12 तक पहुंचना ही नहीं है, वहां तक जाना ही नहीं है। तो एक बार इसमें बनेगा, एक बार इसमें बनेगा, एक बार इसमें बनेगा, तो हमारा कितनी बार बना, तीन बार सिर्फ बनेगा, हमारा तीन बार बनेगा 180 डिग्री का कोण। अब आ गया 10 से 2 बजे के बीच 0 डिग्री, अब फिर आ गया देखिए 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के लिए आप लोग को क्या याद रखना है कि 11 से 1 के बीच में सिर्फ एक बनेगा 0 डिग्री। बाकी आप लोग का प्रश्न क्या है, तो प्रश्न आपका यह है कि 10 से 2 यानी कि यहाँ से और आपको यहाँ तक का बताना है, तो आप लोग को पता है कि इसके बीच सिर्फ बनेगा एक बार 0 डिग्री का कोण, बाकी 10 और 11 के बीच में एक बार बनेगा, एक और दो के बीच में एक बार बनेगा, तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, कुल कितने टोटल हो गया, तीन बार, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा तीन बार। तो दोस्तों आप लोग को एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि 3 से 5 के बीच में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, 11 से 4 के बीच में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, 180 डिग्री का कोण किस प्रकार बनेगा, सॉरी कितनी बार बनेगा, और 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। आइए इसके आगे हम लोग चलते हैं कुछ कंसेप्ट लेकर के, जिसमें कि हम लोगों को टाइम निकालना होगा, अर्थात उसमें कोण दिया रहेगा, उस कोण से लेकर के आप लोग को टाइम निकालना होगा। देखिए दोस्त, यहाँ पर क्या करना है, समय ज्ञात करना है जब कोड दिया गया हो। देखिए पहले क्या होता था कि आपको समय दिया जाता था कि 12:20 हो रहा है, आप कोड निकालिए, तो उस सिचुएशन में दो कोड आता था, एक प्लस में एक माइनस में। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको कोड दिया जाएगा, एक प्लस में दिया जाएगा और एक माइनस में, आपको क्या निकालना है, समय ज्ञात करना है। तो आपको पहले भी हम यही फार्मूला लगा रहे थे, अब भी यही फार्मूला लगाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पर दिया है कि 7 तथा 8 बजे के बीच दोनों सुइयाँ किस समय 45 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो 45 डिग्री का प्लस में भी बनेगा, माइनस में बनेगा। देखिए 7 और 8 के बीच में, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 7, 7 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे ये घंटा है, फिर ये भी घंटा है, 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण। तो हो सकता है कि हमारा घंटा वाला सुई यहाँ पर हो, तो मिनट वाला सुई अगर कहीं यहाँ पे ऐसे होगा लगभग, तो हमारा 45 डिग्री का कोण इधर भी बनेगा, जो कि मिनट वाला सुई अगर पहले हो तो माइनस में आता है। हो सकता है कि हमारा मिनट वाला सुई इस पार चला जाए तो भी 45 डिग्री का बनेगा, तो जब इधर जाता है तो प्लस बनता है, इधर रहता है तो माइनस बनता है, अर्थात 7 और 8 के बीच में घंटा वाली सुई के साथ मिनट वाली सुई दो बार कोण बनाती है 45 डिग्री का, एक माइनस में बनाएगा और एक प्लस में बनाएगा। इस सिचुएशन में इसी में हम रखना है हमें, तो थीटा का मान हम क्या रखेंगे, एक बार प्लस, तो अगर यहाँ पे थीटा का मान अगर प्लस 45 रखेंगे तो बराबर 11/2, और देखिए मिनट, आपको मिनट क्या करना है, निकालना है माइनस 30, और घंटा देखिए क्या निकालेंगे, 7 से 8 के बीच, तो हमको ये चीज़ देखना है कि 7 बजे के बाद ही, अगर 8 बजे तक पहुँचा देंगे तो ये 8 बज जाएगा, 8 बजे के बाद हमको सिर्फ निकाला है 7 और 8 के बीच, यानी कि इसके बीच का जो भी समय होगा वह 7:00 ही होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये मिनट निकालना है 30 और गुड़े ये 7 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 45, अब ये 3 7 21 इस साइड आएगा, तो प्लस 210, अब बराबर 11/2 गुड़े मिनट बराबर, अब देखिए कि 210 45 हो जाएगा हमारा 255, ये दो का क्रॉस इधर करेंगे तो 255 यानी कि हो जाएगा 510/11 बराबर हो जाएगा मिनट। तो यहाँ से हमारा मिनट आ जाएगा
ग्यारह का इसमें भाग दे देंगे तो ग्यारह चौका चौवालीस होता है, और फिर बचा हमारा सात, ग्यारह छक्का छाछठ, और फिर बचा हमारा चार, अब बटे ग्यारह, यानी कि इतना मिनट आ गया। तो टोटल अब टाइम जब निकालेंगे यहाँ से हमारा टाइम हो जाएगा, देखिए हम सात बजने के बाद ही निकालेंगे, तो सात बजने में हम इतना जोड़ देंगे, यानी छियालीस सही चार बटा ग्यारह, तो इसको हम बोल सकते हैं कि सात बज करके छियालीस सही चार बटे ग्यारह मिनट, यानी कि इतना हमारा टाइम हो गया। ये हो गया आंसर, कैसे ये हमारा आंसर प्लस से हुआ। अगर हम माइनस से निकालते हैं तो जब माइनस से निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पैंतालीस बराबर ग्यारह बटा दो गुणे मिनट, माइनस हो जाएगा तीस गुणे सात, तो ये माइनस पैंतालीस है। अब ये इस साइड आएगा तो प्लस दो सौ दस बराबर ग्यारह बटा दो गुणे मिनट। अब यहाँ से देखें कि 210 में से अगर 45 को हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या चीज़ आएगा, 35, यानी 200, यानी 10 में से हम 5 घटाएंगे तो 5, अब यहाँ पे 10 में से 4 घटेगा 6, ये 1 अर्थात 165, अब ये 2 का गुणा कर देंगे और बटे कर देंगे 11, बराबर हो जाएगा मिनट। तो 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, 2 छक 12, 1 13, 2 एक कम 2 1 3 बटा 11 बराबर मिनट। तो यहाँ से निकालेंगे तो हमारा मिनट आ गया कितना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 11 तिया 33, यानी कि 30 मिनट। अब हम जो टाइम निकालेंगे तो हमारा टाइम जो होगा वह सात बजकर प्लस ये जो मिनट आया है यानी कि 30, तो हम कह सकते हैं कि सात बजकर के 30 मिनट, ये हमारा हो गया आंसर। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। एग्जाम में जो भी आंसर दिया हो उस आंसर शीट में वह अपना ले लेंगे। देखिए दोस्त, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो है वह यह दिया है कि 7 व 8 बजे के बीच कितने बजे मिनट व घंटे वाली सुई आपस में लंबवत होंगी। तो 7 व 8 के बीच में देखना है हमको, 7 ये 8 ये है, इसके बीच में यानी कि घंटा वाली सुई मान लीजिए कि यहाँ पे है और मिनट वाली सुई जो है कि हो सकता है यहाँ पे रहे, तब एक लंबवत इधर होगा वैसे ही एक लंबवत इस साइड भी होगा, तो हम प्लस और माइनस दोनों ले सकते हैं। तो जब अगर प्लस लेंगे तो मान लीजिए यानी कि प्लस लंबवत यानी कि 90 डिग्री बराबर 11 बटा 2, यानी कि जो ट्रिक है उसी से लेंगे तो ये हो जाएगा मिनट माइनस 30 और गुड़े टाइम हमारा क्या है, स्टार्टिंग 7 टाइम है तो स्टार्टिंग टाइम ही लेना है। तो ये 3 7 21 इस साइड आ जाएगा, तो 90 और प्लस 210, ये 2 का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और 11 का डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा मिनट। अब 90 210 300 हो गया, 300 दुना 600, 600 में 11 का भाग देंगे वो हमारा निकल जाएगा मिनट। तो इसको हम कह सकते हैं 11 पूरे 55, क्लियर। अब बचा 5, 11 चौका 44 और 6 सही इतना, मतलब 6 ऊपर 11 नीचे। अब हमारा टाइम यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से हमारा जो टाइम आया 7 बजने के बाद से स्टार्ट था, अब प्लस ये हो जाएगा 54 सही 6 बटा 11, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 7 बजकर 54 सही 6 बटे 11 मिनट पर, क्लियर। एक आंसर हो गया। अब दूसरा जो आंसर निकालेंगे, ये तो हमने प्लस 90 से लिया, अब एक लेंगे हम माइनस 90 से, तो माइनस 90 से जब लेंगे तो 11 बटा 2 गुणे मिनट माइनस 30 और गुणे 7, वहीं 7 रहेगा, अब इस साइड आएगा तो माइनस 90 प्लस 210 और फिर ये गुणा 2 और नीचे हो जाएगा 11 बराबर मिनट। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 210 में से अगर हम 90 को माइनस करेंगे तो 21 में से 9 जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा 12 अर्थात 120 अब गुणे 2 अब बटे 11 अब बराबर मिनट। तो यहाँ से हमारा जो मिनट आएगा वह हो जाएगा 240 बटा 11 अर्थात 11 दुना का 22 बचा 2, 11 एक कम 11 और यहाँ पे 9 बचेगा, फिर इसके बाद क्या बचेगा 11। तो हमारा यहाँ से टाइम जो आएगा वह टाइम हो जाएगा 7 बजने के बाद से स्टार्ट है, अब प्लस ये हो जाएगा 21 सही 9 बटा 11 अर्थात हम इसको बोल सकते हैं 7 बज करके 21 सही 9 बटे 11 मिनट अर्थात ये होगा हमारा आंसर। तो जो भी आंसर शीट में आंसर दिया हो या तो ये तो वो हम लगा करके टिक मार देंगे। अब चलिए इसके आगे एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 व 3 बजे के बीच दोनों सुइयाँ किस समय एक सीध में होंगी लेकिन एक साथ नहीं होंगी। देखिए एक साथ होंगी तब भी सीध में होंगी लेकिन वो 0 डिग्री कोण बनाएगा। अब दोनों विपरीत हो गया, एक साथ नहीं है लेकिन एक सीध में है, तो कहने का मतलब कि यहाँ पे जो कोण दिया है
वह कोण दिया है एक सीध अर्थात 180 डिग्री का कोण दिया है। क्लियर। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जो कि आप लोग प्रश्न को देखेंगे उसके बाद उसका तुरंत आंसर दे देंगे। तो जब कभी भी आपको कोई कोण दिया हो, समय दिया हो, उस सिचुएशन में ये समय पूछ रहा हो कि समय क्या होगा, यानी कि दो से तीन के बीच में ये पूरा समय है, लेकिन इसमें हमारा सटीक आंसर कौन सा होगा, सही आंसर कौन सा होगा, तो आपको देखना क्या है कि ये जो दिया है 43 सही 6/11 ऐसे करके दिया है, तो हमें ये चीज़ देखना है जो अंश और ये जो सही करके अर्थात 43 जो है इसमें जो इकाई का अंक, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे 10 आ जाएगा तो वही आंसर हो जाएगा। ये रामबाण में बता रहा हूँ। देखिए क्या करना है कि आपको ये ऊपर अंश वाला और ये जो इकाई, इसमें का इकाई का अंक जोड़ने पर 10 आना चाहिए। तो देखिए ये कितना आ रहा है, 6+3 यानी कि 9, ये तो कैंसिल हो गया। 7+3 देखिए ये 3+7 यानी कि 10 आ गया, तो मतलब कि यही सही होगा। आप लोग इसको फार्मूला में रख के लगाएंगे तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। तो कोई भी ऐसा प्रश्न दिया गया हो, देखिए 3, 3, 6 ये आंसर कैंसिल हो गया, 3, 1, 4 यानी कि 3+1, 4 ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। क्लियर। तो आप लोग को करना क्या है कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो तो इस टाइप से अगर मिनट दिया हो तो बस करना क्या है कि जो अंश है इस अंश को जोड़ना है इसके इकाई में, जोड़ने पर अगर 10 आ जाए आंसर तो आपका वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें से ये 7, 3, 10 आया तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए इसके पहले जो हमने आंसर निकाला है उसमें भी अगर चेक करेंगे, जोड़ेंगे तो 10 आएगा। ये किसी भी उत्तर को अगर इसका जो अंश वाला और इकाई वाला अगर जोड़ेंगे तो ये 10 आना ही आना है। 10 आ जाए तो इसका मतलब समझिए कि वो आंसर सही है। तो दोस्तों आज के लिए हमारा जो प्रश्न था, हमारा जो भाग 3 था, यहीं तक था। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में, सॉरी क्लॉक के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, गुड नाइट।